ओवर की लास्ट बॉल, बैट्समैन पर प्रेशर काफ़ी है, जीतने के लिए सिर्फ 6 रनों की ज़रूरत है। और ये अगली बॉल और ये आउट, और इसी के साथ इंडिया ने अपना लास्ट विकेट खो दिया है और इस हार से इंडिया इस सीरीज से बाहर होती है। दर्शकों के चेहरे पर मायूसी, ऐसे कैसे हो सकता है? फोन होगा, कहाँ जवाब दूंगी, कहाँ से लाऊंगी इतने पैसे? लाइए मैं देखता हूँ। तुम मेरे रूम में कैसे आए? गेट आउट। लाइए मैं देखता हूँ। आई सेड गेट आउट। देखिए हाथ हटाइए, मैं देखता हूँ। जानता हूँ आपको मदद की जरूरत नहीं है, ना गुंडों से, ना काली बिल्ली से और ना इस काजल से। You're crazy. Crazy? Yes, you are. हेल्प कर रहा हूं और आपकी भाषा में हीरो बन रहा हूं। यहां क्या कर रहे हो तुम? डिनर पे आया हूं, इनफैक्ट सरस ने खुद इनवाइट किया। लोगों को डिनर पे इनवाइट किया जाता और मुझे बताने की जरूरत भी नहीं समझते। आपका मूड हमेशा ऐसा रहता है या मुझे देख के बिगड़ जाता है? रुको, तुमने जो नारियल पानी के पैसे दिए थे, हिसाब बराबर? हिसाब अभी बराबर नहीं हुआ। ये रुपए नहीं, दिरहम है। और इसे अब मैं संभाल के रखूंगा। मॉम, कबीर, दरअसल वो मैं वॉशरूम ढूंढ रहा था और नो प्रॉब्लम, आई शो यू। मॉम चलिए, डिनर रेडी है। मुझे तो किसी ने बताया भी नहीं कि घर में गेस्ट आने वाले हैं। मॉम ये प्लान नहीं था, भैया ने अचानक ही कबीर को डिनर पे इनवाइट कर लिया और भाभी ने भी बहुत फोर्स किया उसे।
तुम्हारे डैड कोमा में है और बच्चों को पार्टी करनी है, वो भी किसके साथ, जिसकी वजह से तुम्हारे डैड हॉस्पिटल में है। मॉम प्लीज, हम सबको यकीन हो गया है कि इस एक्सीडेंट में कबीर की कोई गलती नहीं है। इनफैक्ट उसने डैड को हॉस्पिटल में लाकर हम सबकी हेल्प नहीं मॉम, एहसान किया है हम सब पर। एंड यू नो व्हाट, उन गुंडों ने फिर अटैक किया था कबीर पे, अगर भैया टाइम पे नहीं पहुंचते तो पता नहीं क्या होता उसके साथ। देखिए मॉम, ये तो कबीर की अच्छाई है कि वो गिल्टी फील कर रहा है, पर अब हम उसे और गिल्टी फील नहीं करना चाहते, प्लीज। और हम कुछ सेलिब्रेट नहीं कर रहे मॉम, इसने हम पर इतना बड़ा एहसान किया, उसके बदले ये थैंक्स का जेस्चर है, दैट्स इट। पर मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है, वो हमारे लिए इतना सब कुछ कर क्यों रहा है? क्योंकि वो एक अच्छा इंसान है मॉम। छोड़िए मॉम, आप उसके लिए नहीं कम से कम मेरे लिए नीचे आ जाइए प्लीज। काका मैं खाना खा के हॉस्पिटल पहुंच रहा हूँ जी, मगर ठीक है, बाय। काका कह रहे हैं कि आज वो डैड के साथ रुकना चाहते हैं। अच्छा, इसी बहाने आज आपको आराम मिल जाएगा। मॉम सेट, इतना ऑयली खाना मैं नहीं खा सकती। अम्मा, मैं जानती थी, इसलिए मैंने आपके लिए सूप और सैलेड बनाया है। एक मिनट। बैठिए, भाभी ने कितने प्यार से सूप बनाया है, गुजराती मसालों के साथ। बैठिए। जी ये दही जी, लेकिन मैं दही नहीं खाता। आपको पता है सरस को भी दही नहीं अच्छा लगता। खैर, आपको जो पसंद हो आप ले लीजिए। तुम्हारे खाना न खाने से पापा ठीक नहीं हो जाएंगे। आई नो, पर दिल नहीं कर रहा खाने का। मुझे तो तुम्हें भी संभालना है, बिना खाए नहीं चलेगा। अगर तुम नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी, सोच लो। तुम भी ना। चलो ठीक है, मैं पहला बाइट ले रहा हूं। ओके, आई लव यू। भाभी थोड़ा अचार अभी लेकर आए। कबीर, तुम एग्जैक्टली बिजनेस क्या करते हो? ये एक्सपोर्टर्स इन माल में ट्रेडिंग करते हैं, उनका क्वालिटी चेक करता हूं मैं।
कबीर, वैसे कौन से प्रोडक्ट्स? जी ये पूछे कौन से नहीं, पेंटिंग्स, ट्राइबल आर्ट्स, लगभग सभी। तभी तुम्हें खूबसूरती की परख है। I guess so. In fact, मेरे सभी क्लाइंट्स कहते हैं कि बांधनी और ब्लॉक पेंटिंग्स में मैं एक्सपर्ट हूँ। चीज को देखते उसकी सही कीमत पहचान जाता हूँ। जैसे कि वो ओढ़नी, उस ओढ़नी को देखते पहचान गया था मैं कि मार्केट में उसकी बहुत वैल्यू है। पर आप रत्नानगरी किस काम से है? जी एक पुरानी डील पेंडिंग लगी थी। पुरानी डील?